सब लोग, मैं हूँ पिंकी। पिंकी किचन में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे एक रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं। अगर मेरी रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैंने 1 कप मैदा ले लिए हैं, 250 ml का है, सॉरी। इसी मेजरिंग कप से चीनी भी ले लिए हैं, 3 अंडे लिए हैं मैंने, 2 white oil लिए हैं मैंने 250 ml, 1/2 कप मैंने दही लिए हैं 125 ml, वेनिला एसेंस चाहिए हमें, कलरफुट लिए हैं मैंने। इसी मेजरिंग कप से मैंने सब कुछ माप के लिए हैं। आप भी सब कुछ माप के लीजिए तो ही केक परफेक्ट बनेंगे। मैंने मैदा को पहले से छालनी से छान लिए थे मैंने मैदे को। मिक्सर जार में अभी हम अंडे को डाल दिए। मैंने पीसी हुई चीनी नहीं ली है, इसी में मैं चीनी ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ये इसी प्रोसेस में हम केक बनाएंगे, इसीलिए आपको दिखाने के लिए मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं अंडे और चीनी को। अभी इसे मिक्सी में थोड़ी चला लेंगे। ऐड करेंगे व्हाइट ऑयल, हाफ कप मैंने दही लिए हैं। एक खट्टे दही नहीं है, मैंने घर पे बनाए हैं दही को, घर पे जमने दिए थे, वही दही मैंने इसमें डाले हैं। अभी इसको अच्छी तरह से चला लेंगे मिक्सी में। हो गए हैं। एक बड़े बाउल में अभी मिक्सर को निकाल लेंगे। इसमें थोड़ी बचे थे जार में तो इसे भी निकाल लिए। अभी हम थोड़े थोड़े करके मिलाते जाएंगे। अब ज़्यादा मैदा इसमें ऐड मत कीजिए पहले ही, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मैंने बिना मिल्क के केक बनाएंगे, इसमें मैंने मिल्क ऐड नहीं करेंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करने से लम्स नहीं पड़ेंगे तो इसीलिए एक साथ हम नहीं डालेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कलरफुल, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कलर के लिए सिर्फ डाले हैं इसको। आप वेनिला एसेंस जब डालेंगे तब भी थोड़ी बहुत कलर आ ही जाते हैं इसमें। देखिए इस तरह सा बैटर होंगे, इसी तरह ही हमें घने करने हैं, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। आपके पास अगर कटोरी हो तो आप डालिए, नहीं तो आप दूसरा कुछ भी पैलेट भी इसमें रख सकते हैं। मैं इसी में केक बनाऊंगी।
थोड़ा व्हाइट ऑयल डाल के ब्रश से ग्रीस करेंगे। मैं इसी में ही केक बना के आपको दिखाऊंगी। केक टिन भी मेरे पास है, अगर किसी के पास ना हो तो इसीलिए मैंने इसमें केक बनाए हैं, केक बनाएंगे इसमें। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यही बर्तन लिए हैं। आप चाहे तो स्टील की बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें भी केक अच्छी बनेंगे। थोड़ा सा ऑयल ब्रश करने के बाद अभी हम इसमें मैदा डालेंगे। आप बटर पेपर भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर से ऑयल लगा सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं थे तो इसीलिए मैंने मैदे से ही करेंगे। अच्छी तरह चारों ओर मैदे को फैला लिए। बैटर मेरा रेडी है। अभी हम इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे। अंडे की जो एक रॉ फ्लेवर होते हैं वो इसमें ना रहे, इसीलिए वैनिला एसेंस केक में डाले जाते हैं। इसमें अलग से एक खुशबू आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अभी हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। सोडा हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। बेकिंग पाउडर डालेंगे हम 1.5 चम्मच। एक चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाले हैं और 1/2 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, और बेकिंग सोडा 1/2 से भी कम डालेंगे। आप नॉर्मल स्पून से भी माप के ले सकते हैं। इसे अभी अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए मैंने केक बैटर को डाल दिए हैं। इसे अभी डैप डैप करके इसे सेट कर लेंगे, थोड़े जितने भी लम्स है वो बाहर निकल आएंगे। मैंने बिठा दिया है। देखिए केक मेरे कितने सुंदर बने हैं। 30 to 45 मिनट्स लगे हैं केक बनने में। चाकू भी बहुत अच्छी तरह से सर्व आए हैं। इसी तरह आप बनाइए, परफेक्ट बनते हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे केक, और मैंने आमंड से सजा दिए हैं इसे। आमंड को डालने के बाद और भी बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे केक। आपको हम अभी कट करके भी दिखाएंगे जो केक कैसे बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, कितने सुंदर।